विजयादशमी यानी दशमी के दिन प्राप्त हुए विजय का उत्सव। इसी दिन हम रावण दहन क्यों करते हैं? इसी दिन लोग शस्त्र और वाहनों की पूजा करते हैं। इसी दिन वो ही हिंदू राजाओं युद्ध प्रयाण के लिए पवित्र मानते हैं। पर क्यों? हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को यानी विजयादशमी के दिन भगवान श्री राम ने रावण पर और माँ दुर्गा ने महिषासुर पर विजय हासिल किया था। इसीलिए तो लोग इस दिन को न्याय की अन्याय पर जीत के रूप में मनाते हैं। हिंदू राजाओं विजयादशमी के दिन को युद्ध प्रयाण के लिए पवित्र मानते थे। इतिहास के अनुसार शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के साथ युद्ध के प्रयाण के लिए इसी दिन को चुना था। इसके कई कारण हो सकते हैं। आर्थिक कारणों से देखें तो भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियां वर्षा पर निर्भर हुआ करती थी। अश्विन मास में ऋतुचक्र के हिसाब से विजयादशमी वर्षा ऋतु के बाद का समय होता है, जब आर्थिक परिस्थितियों का आकलन भी हो जाता है, राज्य में होने वाली फसल का भी अनुमान हो जाता है और उसके हिसाब से आगे की युद्ध रणनीति निर्धारित की जा सकती है। वर्षा ऋतु के बाद स्वच्छ आकाश के साथ युद्ध के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी होती है, जैसे प्रदेश का भूभाग वर्षा के बाद उगी हुई वनस्पतियों के कारण पूर्ण रूप से बदल जाता है, जिसका लाभ राजा युद्ध की योजनाओं में लेते थे। नवरात्रि के वो 9 दिन माँ दुर्गा की भक्ति करने के बाद मन में भक्ति और तन में शौर्य युद्ध का उत्साह भर देता था, जो युद्ध के लिए बेहद जरूरी होता है। विजयादशमी यानी भक्ति और शक्ति का संगम। इसी दिन वाहन पूजा का भी महत्व है। परंपरा के अनुसार युद्ध प्रयाण से पहले रथ, हाथी, घोड़े, ऊंट जैसे वाहनों के प्रति आदर भाव व्यक्त करने के लिए उनकी पूजा की जाती, अपनी सफलता में उनके द्वारा दिए गए त्याग के लिए आभार भाव प्रकट किया जाता। पारंपरिक रूप से इसी तरह तलवार, भाले, कटार, तीर जैसे शस्त्रों की भी पूजा की जाती। इसका कारण यह है कि जो भी मनुष्य के विजय के सहायक हो, चाहे सजीव हो या निर्जीव, उनके प्रति मनुष्य के हृदय में आदर भाव होना चाहिए और उनका उचित सम्मान भी करना चाहिए। इस आदर्श विचार और परंपरा को आज के दौर में भी लोगों ने संभाल कर रखा है और विजयादशमी के दिन आज भी अपने वाहनों और शस्त्रों की पूजा करके अपनी सफलता में भागीदार होने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। यही नहीं, दशहरा के दिन ही भगवान श्री राम ने 10 सिर वाले शत्रु रावण का वध किया था, वैसे ही मनुष्य के 10 आंतरिक शत्रु जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रमाद, आलस्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और निराशा हम पर हावी हो, उससे पहले ही उनका नाश का संकल्प करने का दिन ही विजयादशमी। इसी विचार को जीवंत रखने के लिए प्रतीक के रूप में हम आज भी रावण दहन करते हैं। न्याय और धर्म की स्थापना के लिए अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए सर्वोच्च त्याग को स्मरण कर भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का संकल्प और समाज के प्रति आदर और आभार भाव व्यक्त करने का दिन है विजयादशमी। यही तो खूबी है हमारी भारतीय संस्कृति की। सजीव हो या निर्जीव, सृष्टि और ब्रह्मांड के कण कण को हम पूजनीय मानते हैं।